अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग की। अगर आपकी स्किन जो है वो डल हो चुकी है, एजिंग साइन आ चुके हैं वक्त से पहले या वक्त के बाद भी, तो उसको हम किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव जो है सीरम शेयर करने वाली हूँ, जिसको आपने अपने घर में दो चार चीज़ों को एडिशन करते हुए बनाना है। और ये सीरम बहुत अमेजिंग है, आपकी स्किन में से फाइन लाइन्स को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो फ्राम करेगा, आपकी जो स्किन है वो इवन टून भी हो जाएगी। और ये एंटी एजिंग सीरम कैसे बनेगा, इसके लिए आपने लेने हैं 7 से 8 अदद बादाम और 1 चम्मच फ्लैक्सी, ठीक है, यानी कि अलसी के बीज। इसको आपने 1/2 कप वो पानी डाल के इसको ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, फिर जब अगले दिन आप चेक करेंगे तो इसका पानी जो है वो कलर जो है चेंज हो चुका होगा पानी का, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे, ठीक है, किसी छन्नी की मदद से आप इसको छान लें। इसका जो मिक्सचर है ये लिक्विड ही ये हमें चाहिए, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आप खा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बादाम है, अलसी के बीज हैं, और ये इसको हम खा भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं अपने फेस के लिए, अपने बालों के लिए। अच्छे तरीके से इसका लिक्विड सारा हम ले लेंगे। ये हमें इसका लिक्विड दे देखें, इसका कितना प्यारा सा है, ना पतला है ना ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें जो दूसरी मेन चीज़ें डालेंगे वो है आलमंड ऑयल, आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिस जो भी आप कंफर्टेबल हैं जो ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं 1 टीस्पून आलमंड ऑयल, ठीक है, एंड सेकेंड जो है वो ग्लिसरीन, 1 टीस्पून ही हम ग्लिसरीन डाल देंगे इसमें, और ये हमारा सीरम रेडी हो गया। दो दफ़ा यूज़ करें, एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम को, रात को सोने से पहले, ठीक है। और इसके इतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। आपकी स्किन से जितनी भी एजिंग साइन है सबको ख़त्म कर देगा, आपको एकदम यंग, खूबसूरत, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल सा फेस आपको ये फ्राहम करेगा ये सीरम। इस सीरम को आपने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि एलसी के बीज हैं इसमें, बादाम का तेल है इसमें, और बादाम भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो फ्राहम करेंगी, स्किन को फेयर भी करेंगी, और सबसे बड़ी बात ये एजिंग साइन को भी ख़त्म करेगा। आपकी स्किन में जो भी रिंगल्स आ चुकी हैं वो सबकी सब ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो ये सीरम है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। उम्मीद करती हूँ आप ऐसा ही करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।